ने नहीं दिया मेरे को वोट जी। उनका भी मैं काम करता रहूँगा, मेरे वार्ड के लोग हैं, मैं उनके साथ हूँ हमेशा जी, था और रहूँगा। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री दुर्गा प्रसाद अरवर जी हैं, जिन्हें वार्ड 7 से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन कुछ ही मतों से इनकी शिकस्त हुई है और इनके समर्थकों में काफ़ी इस बात को लेकर पीड़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए स्वयं अरवर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया आपका स्वागत है, क्या कहेंगे आप? जी भाई, क्या कहेंगे आप, कितने वोटों से आपकी शिकस्त हुई है? मेरी 142 वोटों से हुई है जी। तो जिन लोगों ने आपके प्रति विश्वास जताया, आपको मतदान किया है, उनके प्रति क्या कहना चाहेंगे आप? उनके प्रति हमेशा मैं साथ में हूँ उनके जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा साथ दिया जी, बिना उसके बिना लालच के जी। बहुत लोगों ने लालच दी उनको जी, बाकी किसी के लालच में नहीं आए, उनने मेरा साथ दिया जी। उसके बाद भी जिनने नहीं दिया मेरे को वोट जी, उनका भी मैं काम करता रहूँगा, मेरे वार्ड के लोग हैं, मैं उनके साथ हूँ हमेशा जी, था और रहूँगा। आपकी हार के क्या कारण है? हार के कारण भैया पूरा वो लग गया था गाँव में जी, और मैं अपने हिसाब से चुनाव लड़ा कि अपने को धन वाले तो थे ही नहीं, गरीब स्थिति से चुनाव लड़ा, उस हिसाब से चुनाव जितने लोगों ने वोट दिया जी। तो जितने वोट हैं वो केवल आपके व्यवहारिकता, कोई भी वोटर ये नहीं बोल सकता मेरे से कि किसी को कोई लालच दी मैंने जी, कोई पैसा दिया, कोई साड़ी दी, कोई कपड़े दिए, ये कुछ नहीं दिया जी। तो ये थे श्री दुर्गा अरवर जी, जिनका ये कहना है कि इन्होंने चुनाव जो है बिल्कुल निष्पक्ष और बिल्कुल केवल समर्पित भाव से चुनाव लड़ा, किसी भी तरीके से धन बल या पैसा खर्च नहीं किया है, और जितने भी मतदाताओं ने इनके ऊपर विश्वास जाहिर किया है वे उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।